हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज मैं दम आलू बनाने वाली हूँ हांडी स्टाइल में। तो बिना देर किए वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लें। आपके सपोर्ट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम रूपम, तो आप सबका स्वागत करती हूँ मेरी रसोई में। आलू दम बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 मीडियम साइज का प्याज ली हूँ, यहाँ पे 1.5 टमाटर ली हूँ, यहाँ पे 2 मिर्च, 2 अदरक का टुकड़ा, 4 लहसुन की कलियाँ, यहाँ बारीक चॉप किया हुआ धनिया पत्ता, यहाँ पे 2 टेबल स्पून दही, यहाँ पे 3 मीडियम साइज के आलू को यहाँ पे छील के मैं धो ली हूँ, यहाँ पे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गोलकी पाउडर, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट को मैं बारीक चॉप कर लूंगी। यहाँ पे आलू को हम 4 टुकड़ा में काट लेंगे, क्योंकि हमारा आलू है जो बड़ा साइज का है। अगर आपका छोटा आलू है तो आप 2 टुकड़ा में कर सकते हैं। ये देखिए हमारा आलू कट गया है। अब हम सारे चॉप किए हुए इंग्रेडिएंट को आलू के साथ मिक्स करके इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। इसमें हमें सारे मसाले भी इसमें डाल देना है। यहाँ पे धनिया पाउडर 1.5 चम्मच हम इसमें डाल लेंगे। धनिया थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, इसे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। यहाँ पे जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, यहाँ पे हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच डाल देंगे, यहाँ पे गोलकी पाउडर 1/4, यहाँ पे नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच डाली हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च भी यहाँ पे डाल देंगे, इससे कलर बहुत बढ़िया आएगा। अब यहाँ पे जो दही मैं रखी थी 2 बड़ा चम्मच, इसे भी मैं इसी में डाल के मिक्स कर लूंगी अच्छे से। और यहाँ पे पहले से मैं ऑयल को गर्म करके रखी थी, सरसों का ऑयल 2 चम्मच आप इसमें डाल दीजिएगा। इसको अच्छे से हमें मिला लेना है आलू में। अच्छे से मैरिनेट करने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट में छोड़ देंगे। और यहाँ पे मैं फोरन के लिए 1 तेज पत्ता, थोड़ा सा जीरा खड़ा है, यहाँ 4 से 5 हम यहाँ पे गोलकी खड़ा लेंगे, 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का और 1 छोटी इलायची। और यहाँ पे मैं गरम मसाला का पाउडर इसे तैयार करूँगी। यहाँ पे जावित्री है, 1 दालचीनी, यहाँ पे सहजीरा है, इसका मैं पाउडर बना लूँगी। अब हम यहाँ पे मैं आपको 2 तरह से दम आलू बनाना बताऊँगी। इंडक्शन बेस्ड कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं जो आपके पास है। उसे सबसे पहले नमक डाल लेंगे और उसके बाद हांडी को अच्छे से उसमें सेट कर देंगे, ताकि वो हमारा अनबैलेंस ना हो, अच्छे से फिट बैठ जाए। उसके बाद हांडी को ढक्कन हम लगा देंगे। हांडी को हमें अच्छी तरह से पहले प्री हीट करना है। और मैं पहले से ही सरसों का तेल है उसे मैं गर्म करके रखी हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे भी मैं हांडी में डाल दूंगी। अब हमें इसे हांडी में जो तेल डाली हूँ उसे अच्छी तरह से चारों तरफ फैला लेंगे, ताकि तेल है जो सब जगह अच्छे से लग जाए हांडी के अंदर। आप चाहें तो इस तरह से कपड़ा भी इसके चारों तरफ लगा सकते हैं, ताकि हमारा जो टेम्परेचर है वो इसी के अंदर बंद हो जाए, बाहर ना निकल पाए और अच्छे से हांडी मेरा गर्म रहे साइड से भी। देखिए यहाँ पे तेल हमारा गर्म हो चुका है। अभी इसमें जीरा, दालचीनी, जो मेरा फोरन का मसाला था उसे मैं डाल दूंगी। इसके बाद मैं इसमें मैरिनेट किया हुआ, हमारा 10 मिनट हो चुका है। अब हम इसे सारे इंग्रेडिएंट को और आलू को मैं हांडी में डाल दूंगी और तेल में अच्छे से इसे मिक्स कर दूंगी चला के। दूसरा तरीका भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी, देखते रहिए वीडियो को अंत तक। जिन लोग पास इंडक्शन नहीं है, गैस तो सबके पास होता है, तो गैस पे भी मैं आप लोग को बताऊंगी किस तरह से आप हांडी में दम आलू बना सकते हैं। अब इसे हम
ढक देंगे और बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है। ये देखिए यहाँ पे मेरा आलू है, मैं बॉयल आ गया है। ये देखिए मसाला हमारा भुंजा रहा है, मसाला हमारा तेल भी छोड़ रहा है, आप देख रहे होंगे जैसा। ये अब मैं गैस पे आपको बनाना बताऊंगी। यहाँ पे देखिए ये स्टैंड तो सबके पास होता है जिसमें आप बैगन वगैरह टमाटर वगैरह पकाते हैं, इसे आप गैस पे पहले रख लीजिएगा, उसके ऊपर हांडी को रखिएगा तो, और गैस का फ्लेम याद रखिएगा लो रखना है, क्योंकि अगर हांडी को हम डायरेक्ट गैस पर रखेंगे तो वो ज़्यादा हीट हो जाएगा और हमारा खाना जल सकता है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा स्टैंड या फिर कोई भी बर्तन के ऊपर रख के पका सकते हैं। ये देखिए हमारा कितना अच्छा से दम आलू फ्राई हो रहा है, बॉयल आना भी शुरू हो गया है, और इसमें पानी मैं बहुत ही कम डाली हूँ, बहुत ही ज़्यादा कम। मसाला मेरा फ्राई हो गया, हम यहाँ पे सारा जो गरम मसाला पाउडर है उसे भी हम डाल देंगे और अच्छी तरह से इस सबको मिला लेंगे। दम लगाने के लिए यहाँ पे हम आटे का लोई तैयार कर लेंगे और उसे हमें चारों तरफ हांडी के ऊपर लगा के और अच्छे से ढक्कन को बंद कर देना है और 10 से 15 मिनट तक को लो फ्लेम पे एकदम पकाना है और उसको बीच में खोलना नहीं है। 10 से 15 मिनट के बाद ही आप उसे ओपन करके देख सकते हैं। बंद करने के पहले यहाँ पे जो गर्म मसाला पाउडर था उसमें मैं थोड़ा सा पानी ले ली हूँ और उसे भी मैं इसमें डाल दूंगी। डालने के बाद हमें अच्छे से इसको चला लेंगे, एक बार मिला लेंगे, तब जाके हम इसमें इसके ऊपर ढक्कन बंद कर देंगे। ये देखिए ढक्कन को अच्छे तरह से हम प्रेस करके बंद कर देंगे ताकि हमारा स्टीम जो है बाहर ना निकले। अब हम इसे 15 से 20 मिनट हो गया है, अब हम इसे ओपन करेंगे। ये देखिए हमारा कितना अच्छा से पक गया है आलू और मसाला भी फ्राई हो गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा घर में, एक बार हांडी में ट्राई कीजिएगा, कुकर में तो सब बनाए हैं और आप भी बनाए ही होंगे, बहुत अच्छा से, किसी चिकन से कम नहीं है। जिन लोग वेज खाना खाते हैं उन लोग के लिए तो जस्ट लाइक चिकन है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और आप कलर भी देख रहे होंगे काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए हमारा आलू भी अच्छी तरह से पक गया है, ये देखिए। इस तरह से आप भी अगर हांडी में बनाइएगा तो काफी स्वादिष्ट बनेगी। अब हम इसमें धनिया पत्ता जो चॉप की थी उसे भी मैं इसमें डाल दूंगी और एक बार अच्छे से चला के और एक मिनट के लिए मैं इसे फिर से ढक्कन लगा के बंद कर दूंगी। बस एक मिनट ही तक ही आपको बंद करना है, उसके बाद फिर निकाल देना है। अभी हमारा खाने के लिए रेडी है, ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है और यकीन मानिए बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, बहुत अच्छी खुशबू भी इससे आ रही है। तो आप लोग भी इसे जरूर अपने घर पे ट्राई करिएगा, आप चाहे तो इसे रोटी या चावल जो भी आपको पसंद है उसके साथ आप इसे खा सकते हैं। तो मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जाते जाते जरूर सब्सक्राइब करिएगा आप लोग।